प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। सब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, नाम फाइनल है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए संबंधित राज्यों के नए चेहरे कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, नारायण राणे, हरीश द्विवेदी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। दिल्ली में नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। कैबिनेट विस्तार में क्षेत्रीय संतुलन के अलावा युवा अनुभवी नेताओं का एक अच्छा मिश्रण बनने की कोशिश की जा रही है। साथ ही सभी प्रमुख समुदायों को इसमें शामिल किया जाएगा ताकि उनके लोग बीजेपी की तरफ आकर्षित हों। इस फेरबदल में यूपी को खास तवज्जो मिल सकती है क्योंकि अगले साल की शुरुआत में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक रूप से यह देश सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश माना जाता है। और राम अनुज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राम अनुज, आज उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो कितना बड़ा दिन, मोदी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की नजरें इस कैबिनेट विस्तार पर रहेंगी। तो राम अनुज से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के लिहाज से एक महत्वपूर्ण दिन क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट यानी मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार आज शाम 6 बजे हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नई मंत्रिमंडल में 17 से 22 मंत्री शपथ लेंगे। इस दौरान कई मंत्रियों से अतिरिक्त प्रभार भी लिया जा सकता है। वहीं कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है जिसका सिलसिला शुरू हो चुका है। चुनावी राज उत्तर प्रदेश के 3 से 4 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। और राम अनुज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं। राम अनुज, आज राजनीतिक लिहाज से उत्तर प्रदेश के लिए कितना बड़ा दिन क्योंकि कैबिनेट का विस्तार भले ही मोदी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश की नजरें आज इस विस्तार पर रहेंगी। देखिए संतोष, आज जो है उत्तर प्रदेश का दमखम जो है इस मंत्रिमंडल विस्तार के अंदर दिख सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि 2022 के चुनाव को किस तरीके से सहेजा जाए, जिस तरीके से तमाम जो जातियां हैं, तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं नाराज है, जिसमें सबसे ज्यादा माना जा रहा है कि ब्राह्मण चेहरे को शामिल किया जा सकता है और दलित और जो ओबीसी है उनको भी शामिल किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से कवायद लगाई जा रही थी कि 2022 के चुनाव से पहले जिस तरीके की सिचुएशन थी उस समय ओबीसी वोट बैंकर जो है जितने भी वोटर थे वो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की तरफ थे, लेकिन अब उससे दिक्कत होने लगी। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं ओबीसी को रोकने के लिए, ओबीसी को मनाने के लिए, ब्राह्मणों को मनाने के लिए कई चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। इसमें माना जा रहा है कि उसमें उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो सत्यदेव पचौरी, रीता बहुगुणा जोशी, रामशंकर कठेरिया और एसपी सिंह बघेल के साथ, पश्चिमी यूपी में अगर बात की जाए तो जाटों के नेता कहे जाने में संजीव बालियान का भी कद बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर जो है लगभग 5 ऐसे मंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश से शामिल किए जा सकते हैं। वहीं एससी की अगर बात की जाए तो निषाद वोटरों को संभालने के लिए, निषाद वोटरों को सहेजने के लिए प्रवीण निषाद को भी शामिल कराया जा सकता है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो अगर प्रवीण निषाद शामिल होते हैं तो जाहिर सी बात है कि कई जो उत्तर प्रदेश की जो सबसे सिचुएशन अगर देखी जाए, चाहे गोरखपुर पूर्वांचल की बेल्ट हो या पश्चिमांचल की बेल्ट हो, उसमें कहीं ना कहीं निषाद वोटर जो है वो ज्यादा प्रभावित कर सकता है। 140 सीटों से ज्यादा दिक्कतें जो है बढ़ सकती हैं, इसलिए जो है माना जा रहा है कि निषाद वोटर को सहेजने के लिए प्रवीण निषाद को भी शामिल कराया जा सकता है। जी राम अनुज, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे जो आज जिस पर उत्तर प्रदेश की नजरें रहेंगी। मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का हब उत्तर प्रदेश बनने वाला है। यूपी में मेडिकल डिवाइस पार्क के निर्माण का शुभारंभ सीएम योगी करेंगे। दवाइयों और मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मेडिकल डिवाइस पार्क से 35,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो राम अनुज हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। राम अनुज, ये कदम किस तरह से आप देख रहे हैं और 2022 के लिहाज से ये कितना अहमियत रखता है? देखिए संतोष, ये समझिए कि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो अगर इस तरीके के रोजगार सामने आ रहे हैं तो उससे एक बड़ी जो है उपलब्धि है प्रदेश के लिए और 35,000 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेडिकल डिवाइस जो है अब उत्तर प्रदेश में बननी शुरू हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है सप्लाई के लिए अन्य प्रदेशों की तरफ मुंह नहीं देखना पड़ेगा, उनका जो है नहीं देखना पड़ेगा। और इसके लिए जो है योगी सरकार ने बड़ा प्रयास किया है और इससे
कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और जो व्यवस्थाएं हैं मेडिकल इक्विपमेंट की वो भी यहां पर बढ़ेंगी। तो जाहिर सी बात है कि रोजगार के साथ साथ जो है व्यवस्थाएं जो है वो और सुदृढ़ की जाएंगी, और जिससे अगर सप्लाई की अगर बात की जाए तमाम और व्यवस्थाएं जो जिसके चलते मेडिकल इक्विपमेंट नहीं मिल पाते थे, उनमें देरी होती थी, अब वो नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये बड़ा कदम है ताकि उत्तर प्रदेश में जो मैन्युफैक्चरिंग होगी उससे एक बड़ा फायदा होगा उत्तर प्रदेश को, और इसमें रोजगार के साथ साथ जो है तमाम और उद्योग बढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि कई तरीके के रोजगार जो है उसमें समाहित हो जाएंगे। अब मेडिकल इक्विपमेंट बेचने वाले भी समाहित हो जाएंगे, कंपनी बनाने वाले भी समाहित हो जाएगी, उसके साथ साथ जो है जो रोजगार की अगर बात की जाए तो 35,000 लोगों को एक रोजगार मिलना एक बड़ी उपलब्धि होगी योगी सरकार की। जी, मेडिकल डिवाइस पार्क का उद्घाटन किस वक्त होगा, कुछ समय की जानकारी मिल पा रही है? देखिए संतोष, अभी समय की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है मेडिकल डिवाइस की जो पार्क की उद्घाटन करेंगे, वो माना जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री जो है जो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जो है वर्चुअल जुड़ सकते हैं, लेकिन हाँ। अभी इसका कोई समय तय नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस any update.